कहाँ है दीदी, कहाँ है दीदी, कहाँ है बोल रही। दीदी कहाँ है, तो गाइस वो रही थी, जल्दी आ जाओ इधर, अभी तुम चुराएगी मेरे हाथ से। चल इधर आ, अभी तो बता नहीं, हम मारेंगे नीचे होता है, अभी तुमको बताते हैं। अब तेरा क्या होगा कालिया। भाग तुमको बाथरूम में बंद काहे की, आज तुमको बता दे। आज तुम नुनू नहीं बचेगी। तो आज इसने आज मुझे बाथरूम में बंद किया, उसको आज छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। याद तो रखिए आज गाइस, अभी मेरा कोचिंग का टाइम है इसलिए कोचिंग जा रहा हूँ, दीदी बताएंगे तुमको बाद में। Born in the darkness, why was it? Okay. तो गाइस ये अच्छे से कॉल कर के, हेलो गाइस आई एम सन्नी मेके ने चाहती हूं कि ईयरफोन, तेरा ईयरफोन टूट गया, तू नहीं तोड़ा, वो आवाज करता है, मुझे गर्मी लग रही है। हाँ दिख रहा है, तुम कोचिंग जाने के लिए एकदम तैयार, समोसा भी तेरे को दे दूंगा। आज हमको खोखी भी बहुत। आई एम रेडी दीदी, आई एम रेडी, मेरे साथ कोचिंग चलेगी, लेके भी नहीं जाएंगे। फिर से ओ भाई, इसको जब देखो तो टेस्ट ही रहेगा। नहीं यार मेरा सब गुंजिया खा गया। देखो बिकॉज गुंजिया बनाएगी तो इतना सारा बनाएगा। अच्छा बनाएगी, बहुत टाइम कुकर की रही। तो गाइस आज हमारा फिर से कोचिंग कैंसिल, क्योंकि बारिश पड़ रही है तो अब फिर से घर में बैठना पड़ेगा। ये पूरा दिन मोबाइल चलाते रहती है, मरेगी मोबाइल चलाते चलाते। अच्छा कोई बात नहीं, Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick, we ain't coming back. तो गाइस just let go। तो गाइज कोचिंग कैंसिल होने के बाद ये बारिश छूटा, एंड बारिश भी छूटा तो कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि फिर से कादो कादो यहाँ हो गया, तो फिर से लगता है 10 दिन कोचिंग बंद, सब कुछ बंद, एंड पूरा एकदम मेरा क्षेत्र हालत खराब है भाई लोग, एंड लगता है यहाँ कोई कुछ फेंक दिया। तो गाइज ये क्या आपको पता है, ये है शायद ओढ़ा, ओढ़ा का मतलब ओढ़ा इस पे रहता है, वो खा लिया और ये इधर फेंक दिया, तो हम भी इसे फेंक देते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने रूम में, एंड ये मेरा रूम नहीं है, दिस इज मम्मी का रूम, एंड गाइस ये रखो मेरा पिक, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे बचपन का पिक, जिसमें मेरी फैमिली है, मैं हूँ, सृष्टि है, पापा हैं एंड मम्मी है, तो दिखाता हूँ। ये रहा मेरा पिक, ये मैं हूँ, पापा, मम्मी, सृष्टि, एंड ये मेरा बचपन का पिक। तो कोई बात नहीं, तो आज बारिश की वजह से मेरा कोचिंग भी कैंसिल, एंड रास्ता भी गीला गीला,
पता नहीं कल क्या होगा, जाऊंगा कि भी नहीं, अंदाज़ देखते हैं क्या होता है। उस रूम में मेरी दीदी होगी, देखते हैं क्या। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने रूम में फिर से, स्टडी रूम, लाइट्स ऑन एंड अब पता शायद फिर से वही मेरा रूटीन पढ़ने वाला, तो अब पढ़ते हैं। एंड ये वीडियो आज बहुत छोटा बन गया, सो इसके लिए सॉरी, कल देखते हैं, कल शायद बड़ा बन जाए। तो ये वीडियो यहीं तक था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड प्लीज़ बी हैप्पी टू सब्सक्राइब। बाय गाइस।